क्या लिखा हुआ है? बाघ के नकारात्मक प्रभाव। मतलब गांव में जो छोटी उम्र में बच्चों की शादी हो जाती है वो बहुत ही गलत चीज है, उसका कुछ न कुछ नुकसान होता है। वो किस रूप में होता है वो हम आपको बता रहे हैं। और आपके गांव में तो वैसे भी एक बहुत ही खराब प्रथा है, काफी हद तक हम लोगों ने इसको खत्म भी किया है ना। पिछले साल कई बच्चों की शादी का प्लान बना था, हम लोगों ने जब समझाया तो उन्होंने बात हमारी मानी है और शादी करने से मना कर दिया। शादी की उम्र होती है ना कम से कम 18 साल, ठीक गलती 18 साल। देखो बात बता दी शादी का भावात्मक प्रभाव है, जैसे मानसिक विकास का न होना, अगर छोटी उम्र में शादी कर दी जाएगी तो क्या उसका मन मजबूत रहेगा? नहीं नहीं रहेगा, क्योंकि हर चीज की एक उम्र होती है। सामाजिक कौशल विकास की कमी, ना ही उसका कोई सामाजिक विकास होगा कि दुनिया में कैसे रहा जाता है, कैसे जाया जाता है। कम उम्र में उच्च दबाव के कारण शारीरिक बीमारियों और मनोवैज्ञानिक समस्याएं, जब छोटी उम्र में शादी हो जाती है तो शरीर भी वैसे ही कमजोर रहता है और वो साथ नहीं देता है। और उच्च दबाव मतलब शादी करने के बाद कई तरीके के दबाव आते हैं, ठीक है, उन दबाव को वो महसूस करता है लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकाल पाता बच्चा, ठीक है। इसलिए आगे चल के ज्यादातर ये ऐसे दुष्परिणाम होते हैं जिनकी वजह से बहुत ही गंभीर समस्याएं आती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। तो लड़की की कम से कम 18 साल और लड़की कम से कम 21 साल शादी करनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये आगे चल के बहुत ही नुकसानदेह होता है और ये एक अपराध भी है। अगर किसी की जिसके पहले शादी होती है और कानून जान जाए तो उसको सजा का प्रावधान भी है, ठीक है। हम आपके जब गांव जाते हैं तो उनको भी समझाते हैं कि ये काम हमें नहीं करना है, ठीक है। बस।